नमस्कार दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे थर्ड ईयर और एक्स स्टूडेंट्स के एग्जाम होने हैं, जो ओबीई होने हैं, ओपन बुक एग्जाम्स, कि भाई आखिर वो होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं, इनसे संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी झूठी साबित होती जा रही है। इनसे कोई भी किसी भी तरह की तैयारी नहीं हो पा रही है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या मॉक टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। साइट जो है बार बार क्रैश कर जाती है, कुछ भी काम करो तो करने जाने होता नहीं है और साइट बिल्कुल भी काम नहीं करती है, और बार बार ये डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। पहले इन्होंने डेट बढ़ा कर 1 जुलाई करी, फिर 1 जुलाई से बढ़ा के 10 जुलाई करी, और फिर 10 जुलाई के बाद अब इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद ये लोग तैयारी करेंगे फिर से ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो मतलब ये तो सन्नी देओल टाइप, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और सिर्फ तारीख पे तारीख है। एग्जाम कब होंगे, तो इसी से संबंधित हम इस बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। दोस्तों, मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूं कि जो मेरी 75% ऑडियंस है, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल पाती है, और वो मुझे व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके पूछते रहते हैं कि ये वाली वीडियो आपने बना दी क्या, या फिर इस बारे में आगे क्या हो रहा है, और जबकि वो वीडियो पहले से ही बन चुकी होती है। तो इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी टच कर ले, ताकि जो नई नई वीडियोज है वो आपको तुरंत मिलती रहे और आप अपडेट्स में बिल्कुल भी पीछे ना रहे। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई हमारे एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होने हैं या फिर नहीं होने। देखिए, जितना भी मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जिसको कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो गुप्त सूचनाओं के आधार पर या जो लगता है हमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, वो हम ये इसके अंदर बता रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जहां तक अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सिटी है वो अपने जितने भी वादे हैं, जितनी भी तैयारियां हैं, उनमें लगातार फेल होती नजर आई है। जैसे ही थोड़े से बच्चे भी अगर वेबसाइट पर एक साथ उसे एक्सेस करते हैं तो जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से क्रैश कर जाती है। तो ओपन बुक एग्जाम कराना लाखों बच्चों का, एक साथ सभी बच्चे वेबसाइट को एक्सेस करें, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, वेबसाइट पर बने रहे, डिक्लेरेशन फिल करें और डाटा को अपने जो उनके आंसर शीट्स हैं उन्हें अपलोड करें, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये ऐसा होने वाला है। क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत हैवी सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, और करंटली अभी तक जो सिस्टम देखने को मिल रहा है एसएल और एनसी वेब की वेबसाइट्स का, तो मुझे नहीं लगता कि डीयू की वेबसाइट के ऊपर ये चीज हो पाना संभव है। और जैसे ये सभी के आगे एग्जाम्स पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो 15 अगस्त के बाद इनकी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई इनके एग्जाम लेने भी हैं या नहीं लेने हैं। क्योंकि अगर जैसा ये कह रही है कि 15 अगस्त के बाद ये लोग मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एग्जाम कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, अगर ये डिसाइड करने की ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी तैयारी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो तब ये डिसाइड ये करेंगे कि भाई एग्जाम लेने हैं कि नहीं लेने हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके थर्ड ईयर के एग्जाम्स ये नहीं होंगे, ये आगे चल के और पोस्टपोन नहीं होंगे, ये कैंसिल ही हो जाएंगे। क्योंकि अगर सितंबर के अंदर ये एग्जाम कराते हैं तो उससे एकेडमिक सेशन जो कि पहले से ही बर्बाद हो चुका है, इसमें ये और आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब एग्जाम मेरे हिसाब से होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो थर्ड ईयर का बच्चा है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम पास करके थर्ड ईयर के अंदर आया है, तो उसको उसका पहला हक बनता है कि उसको बिना एग्जाम दिए ही पास कर दिया जाए असाइनमेंट्स लेके, जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और ईयर वालों के लिए कर रहे हैं। अब देखा जाए जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो एक भी एग्जाम नहीं दिया और वो अब सिर्फ असाइनमेंट के बेस पर ही प्रमोट हो जाएंगे। इसी तरह से जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं और सेकेंड ईयर के लिए वो उनको प्रमोट कर देंगे। तो इस हिसाब से तो थर्ड ईयर वालों का पहला हक बनता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल के एग्जाम दिए हैं, तो उनको तो थर्ड ईयर वाले बच्चों को तो ऐसे ही प्रमोट कर देना चाहिए। देख सकते हैं उसके अंदर कि उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 सालों की परफॉर्मेंस क्या रही है, और बाकी थोड़ा बहुत असाइनमेंट ले ले।
जैसे सेकेंड ईयर वालों के साथ करे ऐसे थर्ड ईयर के साथ भी कर सकते हैं कि उसके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वेटेज ले ले, या तो आधी ले ले, या फिर 70% ले ले, या 60% ले ले, और बाकी वेटेज जो है वो उसके असाइनमेंट के बेस पर ले ले इस बार बनाकर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे वो बाकी बच्चों के असाइनमेंट ले रहे हैं ऐसे ही इन बच्चों के भी असाइनमेंट ले ले। तो ये जो सिस्टम रहेगा मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, और आगे आपके एग्जाम मेरे हिसाब से होने वाले नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी है। इससे पहले भी मैंने जितनी भविष्यवाणी की है वो सारी की सारी सच हुई है। जी हाँ, इससे पहले जितनी भी भविष्यवाणी मैंने की है वो सारी की सारी सच हुई है। पहले मैंने कहा था कि आपके असाइनमेंट की जो सबमिट करने की डेट है वो एक्सटेंड होगी, और देखिए वो एक्सटेंड हो गई। जैसा मैंने बताया था असाइनमेंट ऐसा आएगा, और असाइनमेंट वैसा का वैसा ही आया है। तो जो जो भी मैं बता रहा हूँ वो लगभग सभी सच होते आ रहा है। तो लेकिन आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, उस तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से आपके ओपन बुक एग्जाम नहीं होंगे। तो बस जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बहुत मेहनत से आपके लिए अपडेट्स और वीडियोस बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता ही है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।